बहुत दुखद की बात है कि कुलमणि बाबू की हत्या को अवसर मानकर हमें यहाँ आना पड़ा। हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं और जब तक उनको न्याय नहीं मिलती हम उनके साथ खड़े रहेंगे और लड़ते भी रहेंगे उनके लिए। मैं पहले महंगा ब्लॉक को, नूरतंग गांव को मैं सर झुकाकर मैं नमन करती हूँ, क्योंकि यहाँ के जो प्रदेश सरकार है बीजू जनता दल का, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस शक्ति से नूरतंग के वो हमारे कुलमणि बाबू हो सकते हैं या दिव्य सिंह बराल हो सकते हैं, और इससे पहले जिनको मारा गया विकास जना, जिस शक्ति से ये लोग अपने आवाज़ उठाए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये दिखाई देता है कि यहाँ का जो शासन है वो कितने भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। विकास जना एक साल पहले उन्होंने आवाज़ उठाया था कि यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीबों को घर मिलना था वो गरीबों को छोड़कर सब और बीजू जनता दल के नेता लेके जा रहे थे, इसीलिए कि उन्होंने आवाज़ उठाए उनको बेदर्दी से हत्या कर दिया गया था। अब हमारा कुलमणि बाबूजी और दिव्य सिंह बराल जी, ये दोनों जब आवाज़ उठा के यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रही है वो जब उभर कर वो आगे लेके आना चाहते थे, तो उनको भी बेदर्दी से, बेरहमी से उनकी हत्या की गई थी। हम पूछना चाहते हैं यहाँ के सरकार को कि जब दिव्य सिंह बराल जी अपने बयान में लोगों का नाम लिया और यहाँ के जो मंत्री हैं प्रताप जना जी उनका भी नाम लिए, तो उनको क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे? यहाँ FIR में प्रताप जना का नाम है और जो केस दर्ज हुआ है उसमें भी प्रताप जना का नाम है, तो क्यों छोड़ दिए उनको? जब हम गए थे दिव्य सिंह बराल जी के घर तो उनके तीनों बेटे यही प्रश्न पूछ रहे थे हमसे कि जब बयान दिया गया था और जब सबको मालूम है कि प्रताप जना इस हत्या में उनका हाथ है, तो क्यों उनको छोड़ रहे हैं? हम नवीन बाबू से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहते हैं कि आप बाहर आइए, थोड़ा आंख खोलकर देखिए, थोड़ा कान खोलकर आप सुनिए, आपके जो प्रदेश में लोग जितने दिक्कतें भुगत रहे हैं वो कहीं और प्रदेश में नहीं भुगतेंगे ज़रूर। यहाँ के कटक का जो किसान भाई है अगर उनसे भी पूछे तो रणेंद्र प्रताप सिंह जो है रणेंद्र प्रताप स्वाइन, उनका भाई खुद किसानों को जो मिलना था वो खुद उसमें भ्रष्टाचार कर रही है, ये हम नहीं कह रहे, यहाँ के कटक के किसान भाई कह रही है। तो इतना भ्रष्टाचार होने के बाद, अपने लोगों इतने दुखद भुगतने के बाद भी नवीन बाबू आप चुप क्यों हैं? हम विनम्रता से आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप बाहर आइए। आपने एक बार कहा कि मेरा 4.5 करोड़ बच्चे हैं, उन बच्चों में कुलमणि बाबू जी भी एक है, उन बच्चों में दिव्य सिंह बराल जी भी एक है, और जो एक साल पहले मारा गया विकास जना वो भी एक है, तो ये सब आप ही के बच्चे हैं, तो आप क्यों उसका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं? यही हम पूछना चाहते हैं नवीन बाबूजी से और यहाँ के बीजू सरकार को कि आप न्याय दिलाए, अपने लोगों के साथ खड़े रहें, आप पर विश्वास करके ही यहाँ के लोग आपको वोट दिए, आपको सत्ता में लेके आए। आप आज उनके प्रति न्याय नहीं करोगे तो वो विश्वास टूट जाएगा, तोड़ दिए आप। तो आपको यही पूछना है कि आप आगे आइए, यहाँ के लोगों के साथ खड़े रहिए और हमारे कुलमणि बाबू
वो नूरतंग गांव का है, वो ज़रूर नूर है, और उनके परिवार को इतना तंग करना ये ठीक नहीं है नवीन बाबू के लिए। उनका जो आक्रोश है वो श्राप बन सकता है और बनेगा भी। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति ये हत्याकांड हो रहा है। अभी जब हम गए थे दिव्य सिंह बराल के घर, तो उनके बेटे ने खुद कहा कि अब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हत्या शाम को हो रही है, और अगर ऐसा ही छोड़ देंगे तो दिन दिहाड़े उनका हत्या हो जाएगा। ये प्रतीक है कि यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो सरकार है, जिस तरह से सरकार चल रही है यहाँ पे, ये इसका एक मिसाल है। तो हम यहाँ के लोगों से भी, उड़ीसा के लोगों से भी यही हम बताना चाहते हैं कि एक बार आप समझ जाइए कि ये जो सरकार अभी सत्ता में है, ये आपके साथ खड़े होने वाली सत्ता नहीं है। क्योंकि हर एक, जिस दिशा से भी, जिस एंगल से भी आप देखो, तो हर एक को किसी न किसी दुखद आज भुगतना पड़ रहा है इस प्रशासन के अंदर। इसलिए हम विनती करते हैं आपके द्वारा, मीडियम भाइयों के द्वारा, इस सरकार को कि वो न्याय करें इन दोनों परिवारों को, केवल इन दोनों परिवारों के ही नहीं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पूरा गड़बड़ है, जैसे छोटे बच्चों को का तस्करण हो रहा है, जैसे महिलाओं पर अत्याचार हो रही है। परी की घटना अब तक हमने नहीं भूली, फिर भी वो खुद नेशनल क्राइम रिपोर्ट खुद कहता है कि उड़ीसा में जितना महिलाओं के प्रति और बच्चों के प्रति अत्याचार और दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो कहीं और नहीं हो रहे हैं। और इसका रिकवरी है, तस्करण होना एक बात है, और इसका रिकवरी केवल 14% है यहाँ उड़ीसा में। ये बहुत दुखद की बात है। हमारे बच्चे का अपहरण किया जा रहा है, यहाँ के महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, पर उनको न्याय नहीं मिलना, ये ठीक नहीं है। इसलिए हम कहते हैं नवीन बाबू बाहर आइए, आपका घर छोड़िए, बाहर आइए, आप कान को खोलकर और कान भी, आंख भी खोलकर आप देखिए और सुनिए, और अपने यहाँ के जो लोग आप पर विश्वास करें, उनका विश्वास टूट गया है, और आगे से यहाँ के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, इसका आप विश्वास मत करिए, विश्वास लेके आगे मत जाइए आप। बस नमस्कार।